थे, कोई भेदभाव नहीं था, न दिल में कपट था। बोले मैं जुआ नहीं खेलूंगा। क्यों? जुआ खेलना अच्छी बात नहीं। भीम बोले हम काऊ से कमी, तुम खेलो, जो भी होगा देख लेंगे हम। महाराज विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश का समय आता है ना तो बुद्धि काम नहीं करती। आज जुए की बारी आई है, जब खेलना शुरू किया पांडव हारने लगे और हारते हारते यहां तक बारी आई है। मामा शकुनी ने हाथ उठाया कि काम करो, अब कुछ नहीं बचा तो अब अपनी पत्नी को रख दो। धर्मराज बोले आप क्या कह रहे, सोना चांदी हीरे मोती रुपया पैसा हर चीज से आप जुआ खेल सकते हैं, लेकिन औरत रख के जुआ नहीं खेल सकते। शकुनी बोले जैसी तुम्हारी बहू है, है तुझे परिवार ही तैसी यहाँ है। अरे कौन सो हम तुम्हें छीने ले रहे बहू को, वो तो पुत्र वधू है, कहाँ जा रही है, तुम रखो। समझाए बुझाए के दादा आज मैया द्रौपदी को जैसे जुआ में रखो है, पांडवा मैया द्रौपदी को भी हाथ से गमा बैठे। एक बात बता दे, जीवन में अगर किसी की भी इज्जत न कर पाओ तो चलेगा, लेकिन दो लोगों की इज्जत बराबर करते रहना, एक है माँ और दूसरी है पत्नी। माँ वो है जो दुनिया में आपको लेके आती है, और पत्नी वो है जो अपनी दुनिया छोड़ करके तुम्हारी दुनिया में आती है। माँ के लिए तो भगवान ने वो शब्द लिखे हैं, भगवान ये कहते हैं कि मैं हर घर में हाजिरी नहीं लगा सकता, इसलिए मैंने माँ बनाई है। आज भी कलयुग में चार बेटों को एक माँ पाल सकती है, लेकिन चार बेटे बड़े होके एक माँ को नहीं पाल पाते। उसका भी बंटवारा हो जाते, बोले दो महीने तीन महीने तेरे पास, तीन महीने तेरे पास, तीन तीन महीने तुम दोनों के पास, ऐसे बंटवारा चलता है माँ का। बच्चा जो होता है ना, एक विद्वान कहते हैं कि दो भाई एक माँ के लिए लड़ते हैं। पहले लड़ते थे माँ मेरी है, माँ मेरी है, जब छोटे थे तब, और जब बड़े हो गए ना तो पता क्या बोलते हैं, माँ तेरी है और माँ तेरी है, मैं नहीं रख पाऊंगा। वृद्धा आश्रम छोड़ के आ जाते हैं, एक माँ वृद्धा आश्रम जब जाती है ना, तो जब मौत की घड़ी पास आती है, मौत आती है, तो उससे दो घंटे पहले माँ अपने बच्चे को बुलाती और कहती लाला मुझे तेरी याद आ रही है। बच्चा बोलता क्या हुआ, तो माँ कहती लाला मुझे थोड़ा चेहरा देखना है। वृद्धा आश्रम बच्चा पहुंचा, माँ ने बिठा लिया। हाँ बोल क्या चाहिए माँ। माँ बोली जीवन में कुछ तो नहीं मांगा, लेकिन मरते टाइम एक चीज जरूर मांगूंगी, जिस वृद्धा आश्रम में तूने मुझे रखा था उस कमरे में गर्मी बहुत है, तो अब बोले से कमरे में अब पंखा लगवा दे। अरे बच्चा हंस के बोला क्या बाबरी है, अब तो तू मरने वाली है और घंटे दो घंटे की तो पंखे की क्या जरूरत है। तो माँ बच्चे के सर पे हाथ फेर के जवाब देती है कि बेटा हमने अपनी पूरी जिंदगी यहाँ काट ली, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जब मैं मर जाऊंगी और तेरे बच्चे तुझे यहाँ छोड़ने आएंगे तो मेरे जीते जी पंखा लगवा दे, तुझे यहाँ गर्मी न लगे। आप हजारों कर्ज कर देना माँ बाप के लिए। एक जंगल में चिड़िया रहती थी, उसके दो बच्चे, जब तक वो छोटे रहे तब तक तो माँ बाहर से भोजन लेके आती और बच्चों को देती, लेकिन जब वो बड़े हुए तो बोले माँ एक बात बता, ये जो पड़ोस में चिड़िया रहती है इसके भी दो बच्चे हैं, तो ये बता मुझे छोड़ के तो नहीं जाएगी। चिड़िया बोली नहीं जाऊंगी।
चोंच के द्वारा उसने दोनों पंखों को उखाड़ दिया, लहू लुहान हो गई। महाराज जवाब दिया है बेटों को कि जब पंख ही नहीं रहेंगे तो उड़ नहीं पाऊंगी, और जब उड़ नहीं पाऊंगी तो तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी। कछु दिन बाद उस जंगल में आग लग गई, तूफान आ गया, तो बच्चे बोले माया आग लगी है, मैं मर जाऊंगा। माँ बोली एक काम करो, यहां से जाओ, तुम लोग जाओ, भाग जाओ। बच्चों ने उड़ना शुरू कर दिया, और जैसे ही बच्चे उड़ना शुरू करते हैं तो जब तक माँ को बच्चे दिखाई देते रहे तब तक तो माँ देखती रही, और जैसे ही बच्चे आंखों से ओझल हुए जमीन पे गिर पड़ी। यहां जब आंधी तूफान शांत हुआ, आग शांति हुई, तो बच्चे वापस आए हैं, देखा कि वहां चिड़िया मरी पड़ी है, लेकिन पेड़ की डाली पर लिखा था कि हे बच्चों, मैं इसलिए नहीं मर रही हूं कि यहां आग लग गई, मैं इसलिए नहीं मर रही क्या आग लग गई, मेरे प्राण तो आज इसलिए जा रहे हैं जिन बच्चों के लिए मैंने शरीर को शरीर नहीं समझा। उन बच्चों ने चलते टाइम हमसे एक बार भी ये नहीं कहा कि माँ मैं तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगा। आप मथुरा वृंदावन काशी वर्षाने शिरडी गोकुल वैष्णो देवी हर जगह जाइए, और घर में माँ बाप को अगर सुकून नहीं है तो आप किसी काम के नहीं है। एक पिता वो होता है, पिता पे बुढ़ापा है और बच्चा जवान है, और पिता से बच्चा एक बार पूछ ले कि पिताजी आप क्या चाहते हैं, मैं वो काम करूं या न करूं, एक बार पूछ ले तो ये समझ लेना कि बूढ़ा बाप भी जवान हो जाता है। अगर जवान पिता है और बच्चा पिता से ये कह दे कि तुम कुछ नहीं जानते, तुम पे बुढ़ापा है, बस शांति में बैठे रहो, हम सब कर लिए, तो एक जवान पिता भी बूढ़ा हो जाता है। वहां महाराज द्रौपदी को हाथ से घमा बैठे, इशारा दिया है दुर्योधन ने, जा भैया दुशासन भाभी को खींच के ला, चला है दुशासन, पहुंचा द्रौपदी से बोला है चलिए भाभी आपको सभा में बुलाया गया। बोले पिता गांधार मैया गांधारी द्रोणाचार्य पितामह भीष्म शौक और पांच पांडव, मेरी क्या जरूरत है। दुशासन बोला हमें ज्ञान बिल्कुल पसंद नहीं है, चलो। बोले नहीं जाऊंगी, केसों को पकड़ा, याद रखना दादा बड़े हो जा, मम्मी ने पाउडर बोल लगाओ। और ये प्रतीक यादव इसी गांव से वेटा माल्य अर्पण कर रहा है, और 101 रुपए से सम्मानित कर रहा, भगवान से कामना करती हूँ कन्हैया सुख और संपत्ति प्रदान हो, ठाकुर जी का आशीर्वाद प्राप्त हो, धन के भंडार गोविंद भरते रहे, और ये बड़ा हो के माँ बाप का नाम रोशन करे, ये विलासा और आकांक्षा है, माँ भगवती का आशीर्वाद बना रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। भैया केसों को पकड़ के दुशासन खींचने लगा तो मैया द्रौपदी ने जवाब दो, अरे वेरी